मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद है देवपुत्र मासिक जो बाल पत्रिका है उसके प्रबंध संपादक विकास जी दवे। मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान सभी वरेण्य अतिथिगण, परम श्रद्धेय मोहन गुप्त जी हमारे बीच अभी जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम, और पूर्व से सभी हम लोग साथ हैं सभी अतिथियों को। भाषा को लेकर के कुछ बातचीत करने का आग्रह बंधुवर प्रभु जी ने किया था, इसलिए सीधे विषय पर आना चाहता हूँ, अधिक समय नहीं लेना है। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से आया हूँ जहाँ से तकनीकी युग प्रारंभ होते ही इंटरनेट पर प्रथम बार हिंदी में ई पत्र सेवा की शुरुआत हुई थी। वेब दुनिया के माध्यम से सबसे पहले हिंदी ईमेल इंदौर की धरती से प्रारंभ हुए थे, और उससे भी बढ़कर मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उस उज्जैनी की धरती पर हूँ जिस धरती पर श्रद्धेय बापूराव वाकणकर हुए। बाहर से पधारे हुए लोगों को शायद थोड़ा आश्चर्यजनक यह नाम लग सकता है। आपकी जानकारी में केवल इतना ला दूँ कि वे लिपि विज्ञान, भाषा विज्ञान, इन सब के प्रकांड विद्वान थे। प्रख्यात पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के बड़े भ्राता होते थे वो, और सी डेक को सबसे पहला कंप्यूटर जिस समय अमेरिका ने प्रदान किया था, कहते हैं कि उस समय केवल मदरबोर्ड एक कमरे के, इस बड़े कमरे के आकार का हुआ करता था। इतने बड़े कंप्यूटर को देने के पश्चात अमेरिका ने जब तकनीकी सहयोग देने से मना कर दिया था, तब बापूराव वाकणकर ने जा करके न केवल उस कंप्यूटर को असेंबल करवाया बल्कि उसको सुचारू रूप से चलाने में सिद्ध हस्त वैज्ञानिकों को किया था, और इसके कारण से वे बाद के काल में अमेरिका के द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। और इन दिनों हम सब लोग जब कहते हैं कि संस्कृत और हिंदी कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली श्रेष्ठतम भाषा है, इस बात की स्थापना श्रद्धेय बापूराव वाकणकर ने की थी, और इसलिए मैं उनको आज याद करके और इस सत्र में प्रणाम कर रहा हूँ। मित्रों, कई बार जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि संविधान में अमुक धारा है, अमुक कानून है, ये भाषा का अधिनियम बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब कानून, धारा, अधिनियम, नियम, उपनियमों के कारण से भाषा को हम राजभाषा का दर्जा भी ठीक से नहीं दिला पाए, राष्ट्रभाषा बनाना बहुत कठिन है। चूँकि हम सब लोग कानून में बंध करके कोई काम करें, यह सफल होना उतना ज़्यादा संभावित नहीं होता, लेकिन यदि हम श्रद्धा के साथ अगर किसी काम को करते हैं तो उसको सफलता जरूर मिलती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाषा को लेकर के जो भी विषय हम लेते हैं या चर्चा करते हैं तो उसे हम डीओ और इत्र की तरह किसी राजभाषा सम्मेलन में, इस तरह की संगोष्ठियों में लेकर के न जाएं, बल्कि भाषा का विषय हमारे देह में दौड़ने वाले, धमनियों में दौड़ने वाले रक्त की तरह बनना चाहिए, तब जाकर के भाषा की यह आस्था जो है यह साकार रूप ले पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप कहेंगे इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है। इंदौर की धरती को फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर मनोहर भंडारी हमारे यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं, और प्राध्यापक रहते हुए उन्होंने अपना स्नातकोत्तर का शोध प्रबंध चिकित्सा विज्ञान का हिंदी भाषा में लिखा। सरकार से 8 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी केवल इस बात के लिए कि मैं अपना प्रमोशन भी तभी लूँगा जब मेरी थीसिस को जाँचने की व्यवस्था हो जाएगी। आपको आश्चर्य लगेगा, राष्ट्रपति जी के सीधे हस्तक्षेप से उनके उस शोध प्रबंध को जांचने की व्यवस्था बनी। मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम सब मिल करके और इस प्रकार का आग्रह अपनी भाषा के प्रति पैदा करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है थोड़ा न्याय हो पाएगा। हमारे यहाँ भाषा को लेकर के अनेक उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण आदि का उपयोग करके कई प्रकार के भाषाओं की संकल्पना हमने की है, जैसे मातृभाषा, जनभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, विश्व भाषा। मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्र के माध्यम से मैं एक नया शब्द आप सबके माध्यम से सौंपना चाहता हूं, और वह शब्द होगा तकनीकी मित्र भाषा। यदि इस भाषा का संज्ञान लेकर के हम संपूर्ण विश्व के समक्ष जाएंगे तो आप तय मान करके चलिए कि देवनागरी लिपि और हिंदी को संपूर्ण विश्व जगत में यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सारी की सारी मशीनें आज केवल और केवल विज्ञान के कारण से हमारी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की मोहताज होकर के रहने वाली है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, एक प्रश्न अभी पिछले सत्र में खड़ा हुआ था और बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ। कहा गया कि यदि हमारी भाषा
दूसरी भाषा के उसमें अंग्रेजी के एक शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि ये शब्द और ग्रहण कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी इस विषय में थोड़ी सी मतभिन्नता है और वो सकारण है। हमारी हिंदी भाषा के इस समय, पहले कहा जाता था 2002 तक 33 लाख शब्द थे हिंदी भाषा में, आज वह संख्या 35 लाख से ऊपर हो गई है। क्यों हुई होगी? हमारी उसी विशाल हृदयता के कारण हुई होगी। इस 35 लाख शब्द भंडार में से सामान्य भारतीय अपने दैनंदिन जीवन में 32 लाख शब्दों का प्रयोग करता है मित्रों। इसके विपरीत अंग्रेजी का जो शब्द भंडार है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मात्र 26,000 शब्दों का, और उसमें से 3,500 शब्दों का प्रयोग विद्वान से विद्वान अंग्रेज विद्वान व्यक्ति अपने दैनंदिन जीवन में करता है। मेरा प्रश्न यह है कि जिसकी अपनी जेब भरी हुई है, जिसकी अपनी तिजोरी भरी हुई है, वह दूसरों से ऋण और उधार क्यों ले? यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप उधार लीजिए, अन्यथा उन्होंने कहा कि हमने दही बड़ा ले लिया तो हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमने मोक्ष शब्द ले लिया, मोक्ष उनके बाप दादा के बाप दादा ऊपर से उतर करके आ जाए तो मोक्ष शब्द का अर्थ वो समझ नहीं सकते, इसलिए उनको लेना मजबूरी है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हमारे पास सभी अंग्रेजी शब्दों के पर्याय उपलब्ध है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में अगर काम करना ही है तो हम सब अपनी भाषा भगिनियों से, भारतीय भाषाओं से शब्द लेने का काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस संदर्भ में मुझे केवल फ्रेंच भाषा का उदाहरण ध्यान में आता है। हम सब जानते हैं कि फ्रेंच भाषा अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, एक समय कुछ हजार लोगों की थी, धीरे धीरे उसे 30 करोड़ की भाषा बनाया गया। और केवल इतना ही नहीं, जिस भाषा को लोग लैंग्वेज ऑफ रोमांस कहते थे वह लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी बनकर के उभरी, और उसका प्रतीक यह है कि आज विश्व के 29 राष्ट्रों ने उसको अपनी राजभाषा घोषित किया है। तो फ्रेंच भाषा ने जिस तरह की प्रगति की है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौते बिना फ्रेंच भाषा का डॉक्यूमेंट तैयार किए हो नहीं पाते हैं। इस स्थिति को धीरे धीरे हिंदी भी ला सकती है। अभी एक प्रश्न खड़ा हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी कब बनेगी? आप सबको एक आनंददायक समाचार देना चाहता हूँ, किसी प्रकार की घोषणा की आवश्यकता नहीं। अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने और विदेश मंत्री जी ने यह तय किया था कि आज के बाद पद ग्रहण करते ही, ये केवल आंतरिक रूप से उन्होंने तय किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी बैठक, किसी भी कार्यक्रम में हम हिंदी के अतिरिक्त किसी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। अटल जी पर हम गौरव करते हैं, पहली बार हिंदी बोले थे, लेकिन इन्होंने जब से हिंदी बोलना शुरू किया संपूर्ण विश्व ने उनके बातों का संज्ञान लेना प्रारंभ किया, और इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ के सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से हिंदी सम्मिलित हो गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछली 18 जुलाई से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत हिंदी में ट्वीट करना प्रारंभ कर दिया है। हिंदी अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हो गई है, अलग से घोषणा की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर के और थोड़ा सा प्रयत्न करें। अंतिम रूप से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि हिंदी को हमारे यहाँ, हम कई बार कहते हैं कि लागू करने में ये समस्या आती है, वो समस्या आती है, तो बहुत सम्मान के साथ कमाल पाशा को याद करता हूँ। तुर्की के बादशाह ने जब कहा कि हमारी राजभाषा जो है वो तुर्की होना है, सारे विद्वानों को, सरकारी अधिकारियों को, भाषाविदों को बुला करके कहा कि यदि तुर्की को हमारी राष्ट्रभाषा बनाना है तो उसके लिए कितना समय लगेगा। सब लोगों ने मिलकर के, हम जैसे सब लोग थे विद्वान, विमर्श करके कहा कि 10 वर्ष लगेंगे। कमाल पाशा ने कहा ऐसा मान करके चलिए, आज 9 वर्ष और 364 दिन समाप्त हो चुके, कल से तुर्की इस देश की राष्ट्रभाषा होगी। कोई साहित्य, कोई राजकीय प्रपत्र तुर्की भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में प्रकाशित और प्रसारित नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसा आत्मविश्वास जिस दिन भारत के लोगों का आ जाएगा, राष्ट्रभाषा होने से हिंदी को कोई नहीं रोक सकेगा। इतना ही निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विकास जी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।